फेसबुक फ्री मनी मेकिंग कोर्स के सेकंड एपिसोड पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड पे हम सीखेंगे, जब हम लोग एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, जो कि मैंने लास्ट एपिसोड पे आप लोगों को बताया था किस तरीके से अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है वो आज के एपिसोड पे हम सीखेंगे, बारीकी से सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये सारे बेसिक नॉलेज है जो कि हर एक क्रिएटर को बेसिक लेवल पे होना चाहिए, नहीं तो आपका अकाउंट कभी भी किसी भी तरीके से हैक हो सकता है, खराब हो सकता है, डिलीट हो सकता है, डिसेबल हो सकता है। तो इन सारे चीजों से बचने के लिए और अकाउंट को सिक्योर रखने के लिए आज का एपिसोड बहुत बहुत वाइटल है। तो दोस्तों, जैसे ही आप लोग आपके आइडेंटिटी प्रूफ के नाम से सब कुछ डिटेल डाल के अकाउंट बना लोगे, याद रखना वही नाम वही आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल देख के फिर से और कोई अकाउंट जिंदगी भर क्रिएट मत करना, क्योंकि अगर आप लोग सेम आइडेंटिटी यूज करके और एक अकाउंट बनाओगे तो आगे चल के हो सकता है फेसबुक जो है आपके अकाउंट को फेक रिकॉग्नाइज करे और उसके वजह से दो आईडी सेम अकाउंट सेम मोबाइल सेम ईमेल से क्रिएट होने के वजह से आपके अकाउंट को दोनों को डिसेबल कर दे और आपके आईपी को पूरी तरीके से बंद कर दे। उस आईपी से अगर फिर आगे चल के आप कोई भी अकाउंट बनाओगे डिलीट या डिसेबल होने के बाद भी, वो भी फिर से डिसेबल हो जाएगा। ये फेसबुक का नियम है, ये फेसबुक का गाइडलाइन है। तो इन सारे चीजों को बेसिक लेवल पे आपको समझना है। इसका मतलब ये की है कि आपको सिर्फ आपके आइडेंटिटी प्रूफ से एक ही अकाउंट क्रिएट करना है, एक ही फेसबुक अकाउंट, दो नहीं। अब दोस्तों हम समझेंगे सबसे वाइटल सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक अकाउंट क्रिएट करने के बाद, वो होता है अकाउंट का सिक्योरिटी। क्योंकि आज के डेट पे बहुत सारे पेज हैक होता है अकाउंट के द्वारा, हैकर आपके पासवर्ड जो है उसको फेच कर लेता है, नहीं तो कोई लिंक भेज के कोई ट्रैप करके आपसे आपके अकाउंट को छीन लेता है। तो आपके फेसबुक अकाउंट को कैसे सिक्योर करोगे, वही आज प्रैक्टिकली सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो करना है वो है ये जो ड्रॉपडाउन आप लोग देख रहे हो, इस पे आपको क्लिक करना है अकाउंट के। उसके बाद यहां पे आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों सेटिंग करके ऑप्शन रहेगा, इस पे आपको करना है क्लिक। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, तो उनमें से आपको सिक्योरिटी एंड लॉगिन वाला जो ऑप्शन है इस पे करना है क्लिक। और यहां पे ही दोस्तों आपको आपके अकाउंट को सिक्योर करने का सारे चीज को अंजाम तक पहुंचाना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे बताया जाता है कि आपके फेसबुक अकाउंट पे कौन से डिवाइस से लॉगिन हो। तो मेरे केस पे ये सारे डिवाइस से मैं लॉगिन हुआ हूं, आप लोग देख सकते हो। तो इनिशियली टाइम पे आप अगर आपके अकाउंट को एक ही डिवाइस से क्रिएट करते हो और एक ही डिवाइस से लॉगिन होते हो तो यहाँ पे एक ही डिवाइस आएगा। मैंने अलग अलग डिवाइस से लॉगिन किया इसीलिए यहाँ पे अलग अलग डिवाइस शो कर रहा है, मगर कोई भी दूसरा तीसरा आदमी या फिर आप गलती से किसी भी दूसरे तीसरे के डिवाइस से अगर फेसबुक को जिंदगी में कभी भी लॉगिन कर लिया और भूल गए उसको लॉग आउट करने के लिए, तो आप यहां से आके उस सेशन को बंद कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो थ्री डॉट है, आप जैसे इस पे क्लिक करके लॉग आउट पे क्लिक करोगे तो वहां से उस डिवाइस से वो लॉग इन सेशन बंद हो जाएगा। इससे आपके अकाउंट को इन फ्यूचर सिक्योर रख सकते हो। अब बात करूंगा हैकिंग से बचने के लिए आपको करना क्या है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे जो मेन चीज आपको करना है वो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आपको ऑन करना है, और ये फेसबुक खुद रिकमेंड करता है कि अगर आप चाहते हो आपके फेसबुक प्रोफाइल को सिक्योर रखने के लिए तो जरूर आप लोग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करके रखो। अब ये ऑन कैसे किया जाता है, तो आप जैसे ही ये वाला पार्ट पे आओगे तो आपको यहाँ पे एक एडिट ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आपको एक एसएमएस ओटीपी सेंड करेगा फेसबुक आपके मोबाइल डिवाइस पे। याद रखना
मोबाइल नंबर भी हमेशा एक ही रखना है, बार बार चेंज नहीं करना है, क्योंकि टू फैक्टर के लिए अगर आप एक मोबाइल नंबर देते हो और बाद में उस मोबाइल नंबर को आप यूज करना बंद कर देते हो तो ओटीपी जो फेसबुक भेजेगा वो आप तक पहुंचेगा ही नहीं। तो ये सारे छोटे छोटे चीज है जिसके बारे में आपको नॉलेज रखना है। तो ओरिजिनल अकाउंट को ओरिजिनल मोबाइल नंबर से वेरीफाइड करके रखना है, टू फैक्टर को ऑन करके रखना है। यहाँ पे टू फैक्टर देखिए मेरे केस पे ऑन है, तो आपके केस पे भी ओटीपी भेज के यहाँ पे ओटीपी डाल के अप्रूव कर लोगे तो ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी बंदे को किसी भी वे में आपका पासवर्ड तक मिल गया फेसबुक का, तो भी वो जब भी लॉग इन करने जाएगा उसको वेरीफाइड मतलब वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी चाहिए जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। इवन कभी कभी ओटीपी नहीं आता है, उस केस पे आपके फेसबुक अकाउंट जो कि आपके मोबाइल डिवाइस पे ओपन होगा उस पर एक नोटिफिकेशन आएगा, अनरिकॉग्नाइज्ड डिवाइस ट्राई टू ओपन योर फेसबुक अकाउंट। तो उस पर अगर आप कहते हो दिस इज मी तो ही वो लॉगिन होगा उस पर्टिकुलर केस से। अगर आप कह देते हो कि दिस इज नॉट मी तो वो बंदा कितना भी कोशिश कर ले लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो इसी वे में हमें हमारे अकाउंट को सिक्योर करना है पहले ही, बाद में नहीं। हैक हो जाने के बाद उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है, तो बेहतर होगा अभी बेसिक से मैं कोर्स पे आगे बढ़ रहा हूं तो इन सारे चीजों के बारे में आपको अप टू द मार्क नॉलेज रहे ताकि आपका अकाउंट आगे चल के किसी भी तरीके से हैक ना हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा नीचे और आओगे तो यहाँ पे सेटिंग एंड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी करके एक ऑप्शन है, यहाँ पे गेट अलर्ट अबाउट अनरिकॉग्नाइज्ड लॉगिन, इसको आपको ऑन रखना है। एडिट पे जाके इसको ऑन रखना है, मैं ऑलरेडी ऑन करके रखा हूं, तो आपको एडिट पे क्लिक करके इस ऑप्शन को ऑन कर लेना है। इस ऑप्शन को ऑन करने का मतलब होता है कोई भी बंदा अगर आपके पासवर्ड को जान लेता है और ट्राई करता है या फिर ट्राई करता है मतलब कोई भी आपका आप सोच सकते हो नियर बाय आपका पासवर्ड, मतलब उन लोग के दिमाग में चल रहा है कि आपका पासवर्ड ये हो सकता है, तो वो डाल के अगर कोशिश करता है तो तुरंत आपको फेसबुक के अंदर ही ये मैसेज आ जाएगा। इसीलिए इसको ऑन करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखने के बावजूद भी कोड जो है वो वक्त से नहीं पहुंचता है सर्वर बिजी होने के वजह से। तो इस टाइम पे आपको जैसे ही लॉग इन करने की कोशिश करेगा तो आपको फेसबुक के अंदर ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसको अगर येस किया तो ही वो डिवाइस से ओपन होगा, नो कर दिया तो कोई भी बंदा ओपन नहीं कर पाएगा। इससे आपको कोई भी अनरिकॉग्नाइज्ड लॉगिन अटेम्प्ट पता करने के लिए बहुत इजी होगा, तो इसीलिए आपको ये भी ऑन करके रखना है। दोस्तों अगर आप लोग ये स्टेप जो मैं बता रहा हूँ ये करके रखोगे तो जिंदगी भर आपका फेसबुक अकाउंट सिक्योर रहेगा, कोई भी एरा गैरा नथू नेरा आपके अकाउंट को हैक नहीं कर पाएगा। और उसके साथ आपके नॉलेज को अपडेट करते रहना है, जितना नॉलेज अपडेट करके रखोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आज के फेसबुक फ्री मनी मेकिंग कोर्स पे इतना ही मुझे कहना था कि अकाउंट बनाने के बाद उसको सिक्योर कैसे करना है, और याद रखना एक आइडेंटिटी से दो अकाउंट मत क्रिएट करना, अगर करोगे तो फेक में पकड़ में आओगे और फिर आपके डिवाइस से कभी भी कोई भी अकाउंट क्रिएट करोगे तो वो डिसेबल कर दिया जाएगा, और बहुत सारे लोगों को इसी के वजह से डिसेबल कर दिया जाता है। और लोग मुझे आके पूछते रहते हैं कि सर मैंने एक अकाउंट बनाया वो ब्लॉक कर दिया, तीसरा बनाया वो ब्लॉक कर दिया, चौथा बनाया वो ब्लॉक कर दिया, क्योंकि आपका आईपी को ही फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया है। तो ये सारे चीजों को ध्यान पे रख के आपको काम करना है। तो आज के फेसबुक फ्री मार्केटिंग कोर्स पे इतना ही, मिलता हो अगले धमाकेदार एक एपिसोड के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मंत्र का नाम कर दोस्तों, बाय।